बात करेंगे भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। तो बता दें भोपाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की जो बैठक है वो अमूमन हर मंगलवार होती है, और यही वजह आज उज्जैन में जो है वो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। विशेष कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव जो है वो लिए जाएंगे, कई अहम फैसले जो है वो लिए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर मुहर जो है वो उसकी लगने की संभावना भी दिख रही है। वहीं बैंक से लोन दिलाकर पीडीएस सप्लाई में युवाओं को सरकार जो है वो रोजगार दिलाने की कोशिश करेगी। तो मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर मुहर, बैंक से लोन दिलाकर पीडीएस सप्लाई में युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश, खरगोन की महेश्वर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिलेगी, कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुहर लगेगी। वहीं सीएम ऑफिस में विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के पद का प्रस्ताव भी रखा जाना है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, उज्जैन में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। तो कई अहम फैसले जिस पर मुहर जो है वो लगने की संभावना दिख रही है। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक उज्जैन में आज होने जा रही है। अमूमन यही होता है, हर मंगलवार ज्यादातर शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो आयोजित होती है, और आज की शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक ये खास इसलिए क्योंकि ये आज उज्जैन में होने जा रही है। उज्जैन में भी आपको बता दें महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो होने जा रहा है। राहुल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरह से बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि शिवराज कैबिनेट की बैठक होती है अमूमन मंगलवार, लेकिन आज का दिन बेहद खास क्योंकि उज्जैन में होने जा रही है, और उसके पहले अगर हम बात करें महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन भी होना, तो तमाम तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री लगातार लेते रहे। कितने बजे से बैठक शुरू होगी और कौन कौन पहुंचेगा? देखिए, अभी जो है इतिहास में पहली बार जो है आज उज्जैन में शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। अब तक जो है इस प्रकार की बैठक जो है भोपाल में होती रही है, और ये तीसरी बार है जबकि जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक कहीं बाहर करेंगे, यानी अब आज उज्जैन में बैठक होगी। 12:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचेंगे और लगभग 1 बजे से जो है यहाँ बैठक शुरू हो जाएगी। कुछ मंत्री अभी यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं, और गृह मंत्री का भी आने का जो है कुछ देर बाद आने का कार्यक्रम तय हुआ है। थोड़ी देर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी जो है उज्जैन में पहुंचेंगे। बाबा महाकाल के कॉरिडोर को जो है लेकर इसमें सबसे पहले चर्चा की जाएगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को इस कॉरिडोर का जो है शुभारंभ करने आने वाले हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार से उज्जैन के लोगों को, प्रदेश के लोगों को जोड़ा जाएगा और इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर सबसे पहले चर्चा होगी। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के जितने भी जो मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दों को लेकर जो है कैबिनेट में चर्चा होगी। पहली बार यह जो है कैबिनेट की बैठक उज्जैन में हो रही है, इसको लेकर काफी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उज्जैन को विश्व पटल पर लाने की जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल है। हालांकि विश्व के हर कोने में बिल्कुल खासतौर से शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, और 12:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, 1 बजे से ये बैठक जो है वो आयोजित होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल।